जन्मदिन मनाउण लई लड़की दे घर गए अमन अरोड़ा नाल होई कुटमार दा मामला लगातार पखदा जा रहा है। पांच दिनों तो अमन हस्पताल च जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़ रहा है, पर पुलिस वालों अजे तक कोई दोषी गिरफ्तार नहीं कीता गया। जबकि हमलावरां वालों लड़के दे परिवार ते साथियों नूं सोशल मीडिया ते शरेआम धमकियां दित्तियां जा रहियां ने। लड़के दे दोस्तां ने पुलिस ते पैसे खाण दे गंभीर दोष लाए ने। दोषियों खिलाफ कार्रवाई दी मंग नूं लैके लड़के दे दोस्त ते परिवार मैंबर पुलिस अधिकारी नूं मिले ते तीन दिन दा अल्टीमेटम दिंदे होए दोषियों नूं गिरफ्तार करन दी मंग कीती। उस तो बाद उन्होंने तीन दिन बाद एक्शन लिता जी, तो तीन दिन बाद उन्होंने 24 घंटे का सानू टाइम दिता। 24 घंटे तो उपर हो गए, 30 घंटे भी हो गए, हाले तक उन्होंने कोई नहीं फड़िया। एक अद्धा तो फड़ी सकते, सोशल मीडिया तो इन्ने गाला कट रहे सानू, सारे धमकियां मिल रही ने मुंडे, जे इन्हों कुछ हो गया की जिम्मेवार होगा। आ देखो जी, आ सरेआम गाला कट रहे ने, आ देखो जी किनिया गंदे गंदे गाला कढ़िया जा रही ने। आ देखो आ बंदा जी, आ बंदा जी, आदा भाई है जी, वकील ने तो इन्हें सब तो वध कुटिया जी, उन्होंने सब तो ज्यादा वध टंबिया नाल करंट नाल शॉक दिते ने। उहदा सारा शरीर नीला ते काला पिया जी, रंग छड रहा उहदा सारा शरीर। असीं आ पुलिस ते ही कह सकदे हां सानू सारा कुछ मिल रहा, कहिंदे SHO ने पैसे खाए जी, अंदरों पैसे दी आ रही है। तां ही असीं भी यही कह सकदे हां, आपां सारे कह सकदे हां ये चीज़ भी, तां ही नहीं कोई कार्रवाई कीती। पर ना आम बंदा कोई गरीब जाके लड़ जाओ तो मिनट च कार्रवाई क्यों हो जाती है जी, किस करके हो जाती, किस वजह तो हो जाती है। मैं मानता भी चलो कोई रोस हुंदा लड़की वालों के दिल के, लेकिन पर एड्डी घिनौनी हरकत इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। जिस तरीके नाल उस बच्चे नूं कुट्टिया गया, एक छोटा जिहा बच्चा है, उहदी 17-18 साल की उम्र सी, उहनूं बड़ी हैवानियत दे तौर ते कुट्टिया गया, उहदे सूए मारे गए ने, उहदे गुप्त अंग नूं प्रभावित किया गया, सिर दे विच शॉक करंट वगैरह भी लगाए गए ने, बहुत बुरी तरीके नाल हैवानियत राक्षसित कहिए तां आपां होवे। उहदे संबंध विच अज असीं SP साहब नूं मिले सी, क्योंकि काफ़ी लंबा समा हो चुक्या है, ते तीन बंदिआं दे मेन मुख दोषियों दे वजों पंज बंदिआं दे नाम आए सी, तो उन्होंने एक भी बंदा अरैसट नहीं किया गया। वो संबंध में अज SSP साहब तो टाइम लिया, इतने नहीं सी, SP साहब नूं साडा सारा वफद मिलिया, तो उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि सोमवार तक सारे दे सारे दोषी फड़ के अंदर कर दिते जाणगे, ते उन्हां ते बनदी कार्रवाई कीती जाऊगी। उधर पुलिस का कहना है कि सारे दोषी फरार ने, जिन्हां दी गिरफ्तारी लई कोशिश जारी है। पुलिस जिहड़ा इन्वेस्टिगेट कर रही मैटर नूं, ते जो हैगा इहदे जिस तरह भी है इन्हू जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाऊ, जो पंजे चार दोषी ने, जो कोई होर भी उन्होंने इनवॉल्व होगा तो उन्हों जोड़ा है जल्द जल्द असं गिरफ़्तार करा। पुलिस ने मैं दोबारा भी डिप्टी साहब सिटी तो SHO हिदायत कर देना, तो जोड़ा है भी जल्द जल्द उन्होंने गिरफ़्तार कर, जो दोषियों ने यह गलती की बारे अभी तो सारा रिकॉर्ड कट के पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनावे, जो है धमकियों का सैक्शन बखरी लाई जाऊगी। फिलहाल इंसाफ लई पुलिस थाने दे चक्कर काट रहे पीड़िता ने चेतावनी दी है कि जेकर वादे मुताबिक पुलिस ने सोमवार तक दोषियों नूं गिरफ्तार नहीं कीता तां ओह चक्के जाम करन लई मजबूर होणगे। संगरूर तो राजेश कोहली, जगबाणी TV।